यहाँ से बहुत दूर गलत और सही के पार एक मैदान है, मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा। यू मस्ट हैव हर्ड दिस लाइन, जो ओरिजिनली मौलाना रूमी की है। द पोएट, द स्कॉलर, द सूफी मिस्टिक, लेकिन क्या आप उस इंसान को जानते हैं जिसने रूमी को पोएट्री के लिए इंस्पायर किया? साल 1244 में रूमी की ज़िंदगी में एक मोड़ आया जब उनकी मुलाकात एक खानाबदोश शम्स तबरेज से हुई। मीटिंग हिम वॉज द बिगिनिंग ऑफ रूमीज जर्नी टुवार्ड्स अ पैशनेट सर्च फॉर लव एंड ट्रूथ। रूमी और शम्स की पहली मुलाकात की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। एक दिन रूमी अपनी किताबों के ढेर के पास बैठे पढ़ रहे थे, वहीं से गुजरते हुए शम्स तबरेज ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? रूमी ने सरकास्टिकली जवाब दिया, वही जो तुम्हारे समझ के परे है। ये सुनकर शम्स ने किताबों का ढेर उठाया और पानी में फेंक दिया। रूमी ने झटपट किताबों को पानी से निकाला, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि कोई भी किताब गीली नहीं हुई, सबके सब एज इट इज सूखी हुई हैं। सरप्राइज होकर रूमी ने शम्स से पूछा, ये कैसे हुआ? तो शम्स ने जवाब दिया, ये तुम्हारे समझ के परे है। शम्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तलाश में थे एंड ही सॉ दैट स्पार्क इन रूमी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई एंड फ्रॉम देयर ऑन बिगेन रूमीज इम्पैशन परस्यूट फॉर ट्रूथ एंड लव। तब रूमी की उम्र 37 और शम्स अपनी 60s में थे। कहानियां बताती हैं कि रूमी अपने दोस्त के अचानक गायब हो जाने पे बहुत उदास हो जाते हैं, जिसने उन्हें सच और खुदा को पाने का एक स्पिरिचुअल रास्ता दिखाया। इट्स ऑल्सो वाइडली बिलीव डेट शम्स वॉज किल्ड बाई रूमीज यंगेस्ट सन हु वॉज जेलस ऑफ देयर क्लोज कंपेनियनशिप। रूमी अपने दोस्त की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके और अपने इमोशंस पोएट्री के जरिए पेश किया। उन्होंने शम्स की याद में 3000 से भी ज्यादा पोएम्स लिख दी, एक्सप्रेसिंग द लव फॉर हिज गाइड होम ही रिफर्ड एज द बर्ड एंड द सन हु शोड हिम द राइट पाथ। दिस इज हाउ अ नोबल स्कॉलर नेम जलालुद्दीन रूमी बिकेम द रूमी वी ऑल नो टुडे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू विद अनदर सच स्टोरी। अंटिल देन, फॉलो रफीको।